नमस्कार, मैं नीति सेन। सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने राहगीर के साथ लूट की वारदात को सुलझाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी ने राहगीर के साथ चाकू की नोक पर की थी लूटपाट। लूट की वारदात के बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसके आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के खिलाफ पहले भी कई संगीन धाराओं के तहत आपराधिक मामले दर्ज हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सुभाष पैलेस थाना पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने राहगीर के साथ 25,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें, आरोपी ने चाकू की नोक पर 25,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं सुभाष पैलेस थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी पीसीआर के जरिए दी गई। पीसीआर कॉल मिलने के बाद सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम हरकत में आई और इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरों को सुभाष पैलेस थाना पुलिस की टीम ने खंगाला है। वहीं सुभाष पैलेस थाना पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस आरोपी की छवि नजर आई, जिसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू व 6500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। आरोपी से जो पैसे बरामद किए गए हैं वो वही हैं जो आरोपी ने 25,000 में से लूटे थे। बाकी पैसों के लिए सुभाष पैलेस थाना पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुटी है। दिल्ली से नीति सेन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।